ये तो बेबी पिंक है भाई ना, ये सही रहेगा। ला भाई हम तो ना आयरलैंड की स्टाइम ना खेतों में ही है, गांव साइड है भाई, अपने घर दे नियरली हम ना 50 किलोमीटर अपना तय कर लिया। अब भाई बोनट खोल कर देख ले एक बार, कमियां निकाल कमियां, तभी पैसे कम होंगे। ऐसे भाई ना गाड़ी सही है, और ये प्राइस होएगा वो आपको बताएंगे, गाड़ी कितने लीटर की है, कितनी चली हुई है गाड़ी, घर आएगी गाड़ी और आईने अब तक पता नहीं लगा। कैसी है बेटा? तो हाँ जी, हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आयरलैंड में कार कैसे खरीदे, यूके में कार भाई ना, आज फिर सेम भाई अपना रूटीन है, लेकिन आज थोड़ा सा भाई डिफरेंस है, एक आज प्रैक्टिकल है, कल भी प्रैक्टिकल था भावना, कल हम काफी दूर गए लेन गाड़ी, तो आज थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी ना आज मैंने पहन रखी काली टी शर्ट, कल थी भाई दूसरी टी शर्ट, और आज राइन ना नहीं लेकर जा रहे, आज भाई हम तीन तिगड़े जाएंगे और काम बिगड़े होपफुली ना ही हो भाई ना, तो आज गाड़ी लेके आ जाएंगे, बड़ी ऐसी गाड़ी है, सब कुछ हमने फाइनल कर लिया, लेकिन वहां पे जाके प्रैक्टिकली चेक करेंगे। हाँ बेटा, चाय बिस्किट तो ले ले, लेकिन आज बेटा आप ना इसका भाई ना क्या हुआ, हमने ना ग्रीन कप में दूध देना स्टार्ट कर दिया ना भावना, लेकिन पिया रहा है ना, थोड़ा पिया, थोड़ा पिया भाई ना, तो थोड़ा ट्राई कर रहे इसके बोतल छुड़वाने के, लेकिन चलो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। आयरलैंड में कार भाई ना, वो डिफरेंट टॉपिक नहीं छेड़ना, क्योंकि कई बंदे लिखेंगे यार आप अपनी घर की बात पढ़ रहे हो बीच में ना। चलो निकले भाई अपना गाड़ी लेने, और साथ में होगा मैं दलवित और वो भाई भी होगा, वो कह रहे कि भाई मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं चलो कोई नहीं भाई ना, तेरा भी डब्बा बनता ही है भाई ना, कहाँ में रह गया वो आने लग रहा है, कह रहा भाई मैं अपनी गाड़ी लेगा थोड़ी हल्की हवा चल रही बाहर ना, क्या कहता है, कार में तो बैठे रहना अपने, बात भी सही है भाई ना, मक्खी भी आएगी, मधुमक्खी कहना, मधुमक्खी भी कहना शायद भाई आवा है ना, वाह भाई वाह, जग्गी धन्यवाद यार, तो भी ना लग रहा है कि इंडिया वाली जैसी नहीं हुआ गर्मी, ऐसी लग रही है भाई प्रॉपर बढ़िया वाली, तो निकले भाई अपना मिशन पर, जैसे हम कल नहीं निकले थे, इसका बड़ा तेज चल रहा है भाई एसी, लो तो लाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, लो भाई ना अपने ग्लासेस भूल गया, मैं कहा चलो कोई नहीं ग्लासेस नहीं जरूरी है, लेकिन ये वो सौदा पत्ता भाई ना जरूरी है गाड़ी लेने वास्ता, तो अच्छा ये जग्गी भाई के भाई काले चश्मे लगा लाज ना, ये भी लगा बढ़िया सा तो भाई ना, वाकई में नजारा सा आया भाई पीछा, मैं गिनने लग रहे थे तो ना कैशियर भी रख दिया पीछा, गिन भाई ना कितने बने पैसे, और जो डील करने जा रहे भाई कल भी हम अपना तीन ही बंदे जा रहे थे, चार जा रहे थे, 3.5 हज़ार थे, यानी कि नहीं कराने भी था साथ में, तो आज भाई अपना देखते हैं डील बन जाए, और क्या कुछ गाड़ी के जो लेने का जो प्रोसेस होता है आयरलैंड में, और क्या कुछ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो इस वीडियो में अपना भाई ना सब कुछ दिखने वाला है। कैसी लग रही है, ठीक लग रही है, कैसी लग रही है एनक, ये गिफ्ट कर दिया भाई, जग्गी भाई कह रहा है यार आप वीडियो बना रहे हो तो कोई नहीं मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो जाता है, हम नहीं देंगे। ला भाई हम तो ना आयरलैंड की स्टाइम ना खेतों में ही है, गांव साइड है भाई, अपने घर दे नियरली हम ना 50 किलोमीटर अपना तय कर लिया, सामने देखो मैंने ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ही देख ले फिर, बाकी में जग्गी सही कह रहा है, अपना इंडिया ले जाकर भाई बाय रोड कहना ना, गाड़िया गुड़िया तो बंदे ले कह रहे, ट्रैक्टर बाय रोड सीधा अफगानिस्तान पाकिस्तान में ना निकाल दे सीधा भाई ना, बागा बॉर्डर पर खड़ा कर दे, ट्रैक्टर है भाई ना जॉन डियर नहीं न्यू हॉलैंड है, तो 10-1 मिनट और लगेंगे भाई जहाँ पे हम पहुंच चल गए, फिर गाड़ी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, साथ में भाई ना अपना बातचीत करते जा रहे, क्योंकि भाई ना काफी टाइम हो गया गाड़ी में बैठे हुए, और चश्मे भाई थारे भाई ना अब तक तारे नहीं है, जग्गी के लोग वही फाइट हो रही भाई, कर दे गिफ्ट कर दे, मगा ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है जग्गी भाई, ऊपर बोल ही नहीं रहा भाई ना, चुपका चुप बैठा, मगर चल कोई नहीं गाड़ी इस्ते दबा देंगे बंदे तो चश्मे अपने मिल जाएंगे, और जग्गी के हाथ में भी ना पिज्जा पकड़ा का निकल रोड तो भाई ना वाकई में बड़ा खतरनाक सा रोड है भाई, नेक्स्ट टाइम काउंटी साइड है आयरलैंड की, तो गाड़ी भाई लेके ही जानी है, कहना इतनी दूर भी आ गए तो कुछ खाने पीने का ले लो, देखेंगे भाई अगर समोसे के रेडी आगे ढाबा डूबे व ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी ना भाई ने देख कर चेक करके तभी लेंगे, अदरवाइज भाई ने यहाँ पे गाड़ी बेचनी मुश्किल हो जा, लेनी तो आसान, अपने पैसे देने हैं लेकिन थोड़ा सा संभलने भी है भाई ना, कोई ऐसा बंदा ना टकर जा ये जो सा फ्रॉड वगैरह, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे भाई जैसे ही आपको गाड़ी दिखाएंगे। भाई पहले तो गाड़ी देखते हैं कौन सी है, नहीं वो तो नहीं है, जो मेन हम चेक कर रहे गाड़ी के नीचे ना रेस्ट नो, तो थोड़ा बहुत दिख रहा, देखिए भाई ना यार अपनी तरफ से कहना, तो मेन जो होती गाड़ी के टायर टूर अपना बंदा चेक कर लो, और गाड़ी एक बार स्टार्ट करके देख लो, बोनट खोल कर देख लो भाई सब कुछ ठीक है ना, अब भाई बोनट खोल कर देख लो एक बार,
रेस ही थोड़ी सी देख कहना मैकेनिक बन जाओ भाई अपने आप भी थोड़ा बंदे ना लगा भी आप ही गाड़ी देखनी आओ इस तरह चेक कर रहे हम ना तो गोरा भी साथ में बैठना अपना कह रहा कि कुछ भी चेक करो कोई दिक्कत नहीं है तो सारा कुछ चेक करो भाई उसके बाद अपना लॉक बुक की बारी आएगी बाद में ना कि गाड़ी के गाड़ी किसके नाम है और उसके बाद साइन कर लेंगे बाद में ना वैसे गाड़ी पे डेंट पैंट तो कुछ नहीं है जो मेन लग रहा रेस्टिंग का जो गाड़ी के नीचे है तो उसी में अभी डिस्कस चल रहे हैं कि लेनी है गाड़ी या फिर नहीं लेनी है बट गाड़ी अदरवाइज चलने में अच्छी है 1 लीटर गाड़ी है तो पेट्रोल भी कम लेगी इंश्योरेंस भी इस पर कम होगी तो डिसाइड करते हैं भाई अभी क्या कुछ गाड़ी लेनी है ये या फिर नहीं क्या कह रहा है कमियाँ निकाल कमियाँ तभी पैसे कम होंगे वैसे भी ना गाड़ी सही है ओवरऑल तो देखते हैं कितने जाले लग रहे साफ सफाई अपने आप करनी पड़ेगी सब कुछ ये है कि 10-15 यूरो स्पेंड करने पड़ेंगे भाई ना वॉशिंग वाशिंग बस सामने भाई वॉशिंग भी कर रहा है बंदा अगर वहीं पे करा लेंगे फिर तो हाँ नमस्ते मम्मी बस दलवी तो वास्ते लेने लग रहे थे गाड़ी वो चलाएगा देखने लग रहे हैं मगर चलो कोई नहीं थोड़ी देर में कर रहा फोन ओके ओके NCT के यहाँ पे मेन रोल हुआ तो NCT की अगले साल तक है जो कि ओके है मतलब कि अगले साल तक हमको गाड़ी में कुछ नहीं कराना है और गाड़ी का प्राइस होएगा वो आपको बताएंगे गाड़ी कितने लीटर की है कितनी चली हुई है गाड़ी और गाड़ी की लॉग बुक आप कैसे साइन करते हो दूसरे बंदे को देते हो सब कुछ आपको बताने वाले हैं क्या प्राइस हमको मिलेगा गाड़ी का बारगेन करते हैं थोड़ी सी और वो अभी गाड़ी चलाने गए हैं तब आपको बताते हैं बोलना ऐसी लॉग बुक होगा और अपना उसमें फिल कर दो तो जिसमें अपना डिटेल हो जाएगी जो नवा बंदा बाय करने लग रहा है और जो पुराना बंदा है उसके साइन हो जाएंगे वहाँ पे ना तो ऐसे भी अपना ओनरशिप यहाँ पे चेंज हो जाएगा गाड़ी की जो हमने डील पड़ी है भाई एक जो चली हुई गाड़ी है कम है 90,000 चली हुई लेकिन 1,000 CC यानी कि 1 लीटर का इसका इंजन है टोयोटा आयरिस है जो कि रिलायबल गाड़ी मानी जाओ आयरलैंड में क्या कहते हैं जो कि और चली हुई कम है 90,000 चली हुई है और जो डील होगी भाई अपना 1500 यूरो यानी कि बंदे ने लगाई हुई थी भाई 1800 की तो ठीक ठाक करके भाई ना बंदा लेकर आए ना 4 गियर्स में थे जो अपना TV शो हुआ तो भाई ना बंदे ने पहले कमियाँ कहना थोड़ा दिखा के फिर वो कह रहे कि चल इसने ठीक कर लियो तो मैं इसके 300 रुपये काट मखा चलो कोई नहीं भाई ना इतने में कुछ और भी कर लेगा बंदा तेल ताल का खर्चा चल जाएगा भाई 2-1 महीने का तो ये अपना डीलिंग है भाई आयरलैंड में अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो अभी हमने साइन सून करा लिया अब वो अपना पोस्ट कर देगा उसके हमने फोटो भी ले लिया ताकि थोड़ा रिकॉर्ड वास्ते कल अगर जो वो ना पोस्ट करे तो हमारे पास प्रूफ हो जाता है और बस हाँ यही है अभी आयरलैंड में अपना गाड़ी लेने का प्रोसेस स्टूडेंट वगैरह ले सकता है सब कुछ अपना ईजी है क्या हुआ चुप से बैठे तो अपना यही एक फायदा है भाई यहाँ पे ना गाड़ी का मेरे चश्मे कहाँ गए भाई रख दिए लो भाई ना जय श्री राम जय महाराज गुरु महाराज की जय हो ना मैं भी मैनुअल गाड़ी भाई ना काफ़ी टाइम के बाद ही चला रहा हूँ सेट ना भर लिया अपना एड्रेस और इंश्योरेंस है वो भी मेरे अपना फुली कॉम्प्रिहेंसिव है यानी कि मैं किसी की भी गाड़ी अपना चला सकता हूँ तो इंश्योरेंस वगैरह ओके है सब कुछ इंश्योरेंस के बिना भाई यहाँ पे कभी गाड़ी ना चलाओ तो निकले सीधा अपना दुकान पर मिलते हैं भाई ये तो बेबी पिंकर है भाई ना ये सही रहेगा ये तो है ही नहीं चक्को करा कैमरा बंद कर दो फिर लेंगे इतना बना दिया अपना पिज्जा बढ़िया सा पिज्जा बनेगी ना कहाँ का पिज्जा मैक्स को भाई ना एक बार जरूर ट्राई कर देखियो भाई ना पहली बार अपना या भाई ना पार्टी इतने सस्ते में थोड़ा डालेंगे भी तो घर जाकर बाण हो मेरा मिठाई का डब्बा कहाँ से है मैं कड़ी खिला खिला कर हमने भेज दिया रोज वैसे भाई ना आज फाइनल ले ही ली गाड़ी ना सो फार सेटिस्फाइड इतनी दूर से भी नहीं चला के लेके आए 40-45 किलोमीटर जहाँ पे हम गए थे तो मैं ही चला के लेके आया हूँ तो मेरे को तो परफेक्ट एकदम नंबर वन जॉब लगी है और लो भाई ना पिज्जा भी अपना रेडी हो गया आ भाई जल्दी घर आएगी गाड़ी और आईने अब तक पता नहीं लगा कि ना नवी कार आएगी ये बलवीर की राम प्यारी बेटा बड़ी मुश्किल
इतनी दूर ड्राइव करने के बाद फाइनली आ गए घर पे। और आपको गाड़ी यही है की जरूर नहीं आपको डब्लिन मिलेगी, कहीं पे भी ड्राइव करने के लिए जाना पड़ सकता है भैया। तो 07 गाड़ी है जो की भैया ठीक ठाक प्राइस पे मिल गई है, बढ़िया प्राइस पे। और देख से के साथ भी जैसे आपको बताया ना पहले गाड़ी की कमियां निकाल लो फिर प्राइस हाँ तभी भैया प्राइस कम होया। तो दलित को पसंद आ गया। एनीवे आगे भी आपको रिव्यू बता देंगे गाड़ी का, तारीफ तो कर दी है लेकिन वो तो बाद में पता लगेगा ना भाई कितने की इंश्योरेंस होती है गाड़ी की, इसकी कितना कुछ अपना टैक्स है इस गाड़ी का ना, और क्या कुछ सर्विस वगैरह का हमको पे करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो हाँ बेटा रेड कलर उसको बढ़िया लगे, तभी भाई से राज ने रेड कलर ही पहन रखा स्पाइडरमैन वाला। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चराया मेरा दिल का चैन जैसे भाई गाड़ी लेकर आए राइड करेगी ना मेरी भी गाड़ी आएगी। तो ये थी भाई आज की छोटी सी वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ट्राई करेंगे मैं या फिर दलित इसका आंसर करने की, जो भी अपना कमेंट कर सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर देना, टिल देन टेक केयर।